नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक डॉट हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने किसी भी पुराने फ़ोन को या फिर कोई ऐसा फ़ोन जो कि जिसकी बहुत दिन से अपडेट नहीं मिला है, तो ऐसे में उन सब फ़ोन को आप कैसे अपडेट कर सकते हो नए एंड्रॉयड वर्जन में। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान पाएंगे। यार, बहुत सारे कुछ स्टेप्स होती है कि कंपनियाँ अगर अपडेट नहीं भी देना चाहे तो हम उसे मैन्युअली खुद से अपडेट कर सकते हैं। बस प्रोसेस को देखते रहिए अंत तक, आप अच्छे से समझ जाओगे। हर स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है अपडेट को इंस्टॉल करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं, आपको पता चल जाएगा। और हाँ, जो डाउनलोड लिंक रहेगा सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। वीडियो को देखते रहिए अंत तक। लेकिन शुरू करने से पहले अगर जो आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दें अभी की अभी। इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि और भी लोग जान पाए और वो भी अपने जो पुराने फोन है वो भी अपने अपडेट करवाएं फोन को। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी बटन को भी दबा दें और भी फ्यूचर वीडियोज के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें व्हाट्सएप में, ग्रुप में, ताकि और भी लोग जान पाए। और नीचे आपको कमेंट भी कर देनी है फोन अपडेट करने की ट्रिक, नीचे आपको अच्छे से कमेंट कर देनी है। तो अब चलो यार, यहाँ पे ज़रूरत आपको क्या क्या चीज़ें की पड़ेगी। तो आपके फ़ोन में जो है रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन में रिकवरी इंस्टॉल नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा। और कुछ अपडेट फाइल का लिंक चाहिए होगा तो अपडेट फाइल को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन से चेक कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने जो अपने फ़ोन में पहले से ही रिकवरी को इंस्टॉल करके रखा था, तो अब यहाँ पर सबसे पहला काम जो है बैकअप का है। बैकअप आपको कर लेना है अपने जो करेंट सिस्टम है। बैकअप के बारे में और डिटेल से जानना चाहते हैं कि बैकअप करने का क्या फ़ायदा होता है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका वीडियो मिल जाएगा। सेकेंड काम जो हमारा मेन जो स्टेप्स है, वाइप पे क्लिक करके आपको एडवांस वाइप पे जाके आपको जो डॉल्विक सिस्टम एआरटी कैश है उसे आपको वाइप कर देनी है। तो हमने वाइप पे टिक करके हमने डाटा को वाइप हमने कर दिया। तो अब जो है मैंने जो है यहाँ पे अपने इंटरनल में मैंने फाइल को डाउनलोड मैंने नहीं किया था, मैंने पेन ड्राइव में रखा था डाउनलोड करके अपडेट फाइल को। वैसे आप चाहो तो मेमोरी कार्ड में रख सकते हो, अगर आपके फ़ोन में मेमोरी कार्ड लगता है तो वहाँ पर आप अपडेट फाइल को रख सकते हो। उसके बाद अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन की ओर चलते हैं। इंस्टॉल करने के लिए नॉर्मली इंस्टॉल पे हमने क्लिक किया, उसके बाद आपको स्टोरेज को सिलेक्ट करना है। और स्टोरेज जैसे यहाँ पे यूएसबी ओटीजी मैंने लगाया तो मैंने ओटीजी को सिलेक्ट किया। अगर आपके एसडी कार्ड में अगर अपडेट फाइल होता तो आपको एसडी कार्ड को सिलेक्ट करना पड़ता, बट मैंने ओटीजी का यूज किया। तो अब यहाँ पर अपडेट फाइल को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने दो तीन अपडेट फाइल का फोल्डर मेरे फ़ोन में है, उसमें से मैंने जो है ये जो मेरा अपडेट फाइल है एंड्रॉयड 9 अपडेट, उसे हमें इंस्टॉल करना है। तो नॉर्मली इसे आपको क्लिक करके स्वाइप टू फ्लैश आपको कर देनी है। तो ये हैवक ओएस है तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं और इसे हम स्वाइप टू फ्लैश कर देते हैं। और ये जो हमारे फ़ोन में जो है नया सिस्टम जो है इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। तो अब बात आ जाती है कि बस हर मॉडल के लिए डाउनलोड करने का जो लिंक है वो हर मॉडल के लिए अलग अलग टाइप का अपडेट फाइल होता है। प्रोसेस सेम होता है, बस अपडेट फाइल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद ये हमारा ऑलमोस्ट जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो अब यहाँ पे एक गैप्स होता है GAPPS। उसके बाद ये ARM 9.0 ये मैंने इंस्टा से इंस्टॉल किया, ARM 64 9.0 माइक्रो, उसे भी सेम उसी तरीके से इंस्टॉल कर देनी है। और ये भी इंस्टॉल हो रही है, तो यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा कुछ देर, 4-5 मिनट। और उसके बाद ये गैप्स भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए, इससे फ़ायदा होता है क्या, जो गूगल प्ले की जो ऑल सर्विस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और
आप इजीली तरीके से अपने फ़ोन में सब कुछ आप कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा जो गैप्स है वो भी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गया। तो नॉर्मली यहाँ पर आपको रिबूट करना है, डू नॉट इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो स्वाइप टू वो था स्वाइप करने वाला वो भी कर सकते थे। तो हमने यहाँ पर डू नॉट इंस्टॉल हमने कर दिया और ये हमारा फ़ोन जो है बूट होना स्टार्ट हो चुका है। सो बूटिंग विल टेक सम टाइम, तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा इसके लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा जो लोगो है, जो बूट लोगो है, वो चेंज हो चुका है क्योंकि हमने यहाँ पर नए सिस्टम को इंस्टॉल किया और जो नया सिस्टम है उसका बूट लोगो चेंज्ड है। तो ये काफ़ी स्मूथ और एनिमेटेड मस्त यूआई है। तो इसके जो अंदर के जो फीचर्स हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, तो देखते रहिए अंत तक। बाकी बात जो भी आपको जो डाउनलोड लिंक या फिर जो रिकवरी इंस्टॉल करने का प्रोसेस मेथड वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा। तो ये सिंपल सी मेथड होती है, अगर जो आप फॉलो करोगे तो आप इजीली तरीके से अपने किसी भी ओल्ड स्मार्टफोन को भी अपडेट कर सकते हो। तो ये हमारा ऑलमोस्ट बूटअप हो चुका है और यहाँ पर हेलो आया इस तरह से। तो मतलब ये नॉर्मली सेटअप है जैसे हम किसी नए फ़ोन को सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट करके और ये सब आपको करना है सेटअप, मैं फास्ट कर देता हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए। और फाइनली ये हमारा है होम स्क्रीन और ऐप ड्रावर वगैरह। तो सेटिंग में यहाँ पर देख सकते हैं पूरा यूआई चेंज हो चुका है और हमें नए एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पर मिला है। और मैं आपको दिखाता हूँ और भी फीचर, जैसे क्लॉक वगैरह देख सकते हैं सब कुछ चेंज हो चुका है और हमें नया यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल मिला है, क्विक सेटिंग वगैरह। और आपको एडवांस फीचर भी आपको इस अपडेट फाइल में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे नॉर्मली कहते हैं रोम फ्लैशिंग, इसको बोल सकते हैं इस मेथड को। और यहाँ पे बैटरी सेविंग के बारे में आपको भी बहुत सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, एडेप्टिव मोड, एआई मोड। तो इस तरीके से हम जो अपने फ़ोन में रोम को इंस्टॉल करके अपडेट कर सकते हैं और आसानी तरीके से नए वर्जन को यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे 9 हो चुका है इस फ़ोन में, जबकि ये जो है पुराना फ़ोन है उसमें भी हमने यहाँ पे नए वर्जन को हमने इंस्टॉल कर लिया 9.0। ये एगेस्टर देख सकते हैं, ये 9.0 का एगेस्टर है। और इस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हो किसी भी फ़ोन को अपडेट करके नए वर्जन में। ये प्रोसेस स्टेप्स कैसे लगे आपको, क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वैसे जो भी मैंने ज़रूरतें वाली वीडियो जो मैंने आपको बताया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबके साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ किसी और वीडियो में, बाय।